मिस गांधी ने यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसमें टोटल 8 टीम्स थी जिसमें आज जो फाइनल था बिटवीन हाइजरा एफसी एंड एसएफसी शालवो, जो कि एसपी शालवो ने जीता 2-1 से। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधीनगर से, जिन्होंने ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए। और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि जो यूथ जो आने वाला है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एंगेज रहे, क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कोई किसी चोरी में इन्वॉल्व है, कोई और किसी केस में इन्वॉल्व है, उन सब में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में आए ताकि उनका कैरियर बने, उनकी फिटनेस रहे। और हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट हो रहे हैं यहाँ पे। और हम इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि ऐसे टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधी में ऑर्गेनाइज कराए, नॉट ओनली इन फुटबॉल, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल। सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया था। इसके पहले भी ये हमारे कंटिन्यूसली हमने अभी 2-3 महीने से हम कंटिन्यूसली इवेंट्स हम करवाते आ रहे हैं। इसके पहले कंगन में एक हमने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, गांधरबल सब डिवीजन में ये फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि 8 टीमें लकी ड्रॉ के जरिए आई थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आज फाइनल जो था वो तुलमुला और शालबुक टीम के बीच में था, जिसमें शालबुक टीम ये तुलमुला को हरा करके विनर घोषित की गई है। और इसका जो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने का जो हमारा असली मकसद जो है कि यूथ को जो है एक अपने गांधरबल, खासकर गांधरबल के यूथ को एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएँ और इनको बाकी जो चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, इनसे इनको दूर करें। और ये इस
ऐसे टूर्नामेंट के जरिए, ऐसे इवेंट के जरिए ये अपनी स्किल्स को और अच्छी तरह अच्छा बनाए और आगे जा कर के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये अपना टैलेंट दिखाएं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी आने वाले हमारे इवेंट्स रहेंगे कि सारे लड़के हमारे पार्टिसिपेट करें उसमें अच्छे से, और ऐसे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं और अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करें ऐसे स्पोर्ट्स से।